दोस्तों आज के लड़के जैसे ही जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वर्कआउट करने के बाद उनकी बॉडी भी मस्कुलर हो जाए और वो भी एक बीस्ट की तरह। पर उन्हें ये नहीं पता कि जिम में वर्कआउट करना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एक पार्ट होता है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वर्कआउट के साथ बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपकी बॉडी भी एक बीस्ट की तरह बन सके। टिप नंबर 1, वर्कआउट। दोस्तों वर्कआउट कितनी देर करना चाहिए ये आपके गोल पर डिपेंड करता है। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं, मसल का साइज बढ़ाना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो 45 मिनट से 1 घंटे तक ही वर्कआउट करें। हर सेट में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लें ताकि आप हैवी वेट उठा सकें। देखिए हैवी वेट उठाओगे, मसल बिल्ड, मसल का साइज तभी बढ़ेगा। और अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप 90 मिनट तक वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब 1.5 घंटे तक आप वर्कआउट कर सकते हैं। और फैट लॉस में हर सेट में रेस्ट कम लें, 1 मिनट से कम का रेस्ट लें। और आप हफ्ते में 5 दिन कार्डियो जरूर करें, उसके लिए आप कभी ट्रेडमिल कर सकते हैं, कभी साइकिलिंग कर सकते हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं। और टिप नंबर 2, डाइट। डाइट भी आपके गोल पर डिपेंड करती है। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलरी से ज़्यादा खाना पड़ता है, और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो मेंटेनेंस कैलरी से कम खाना पड़ता है। मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलरी है 2000, तो मसल गेन करने के लिए आपको 3000 कैलरी लेनी है, और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको 1500 कैलरी लेनी है, मतलब 2000 कैलरी जो आपकी मेंटेनेंस कैलरी है उससे कम कैलरी लेनी है, आपको 1500 कैलरी लेनी है। तो इस तरह से ये डाइट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। टिप नंबर 3, स्लीप। जिम में आप वर्कआउट करते हो, मसल तोड़ते हो, डाइट लेकर रिपेयर करते हो, पर बड़े कब बनते हैं? जब आप सोते हैं। इसलिए रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें ताकि आपके मसल जल्दी बड़े बन सकें। टिप नंबर 4, स्ट्रेस। देखिए आप चाहे मसल बिल्ड कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। देखिए आजकल सबको स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का, किसी को फैमिली का, किसी को पढ़ाई का, किसी को फाइनेंशली, तो इसीलिए स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रहें, तभी आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। टिप नंबर 5, पानी। दोस्तों पानी भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहे फैट लॉस कर रहे हैं, चाहे मसल बिल्ड कर रहे हैं, आपको पानी जरूर पीना चाहिए। आपको दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। देखिए अगर आप मसल गेन कर रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं, आप ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा खाने से डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, तो डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे, जो आपने खाया है वो आपके शरीर को लगे, तो इसीलिए पानी जरूर पिए। और फैट लॉस में भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आप चाहे फैट लॉस कर रहे हैं, चाहे आप मसल बिल्ड कर रहे हैं, आप पानी जरूर पिए, दिन में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। तो फ्रेंड्स अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि बॉडी बनाने के लिए कौन से 5 रूल हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो बॉडी बिल्डिंग के 5 रूल्स पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय।